ग्रह नक्षत्रों में हमेशा बदलाव होता रहता है और हमारे द्वारा आपको समय समय पर ग्रहों की दिशा और दशा और उनके परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। हम आपकी राशियों के ऊपर ग्रहों के इन परिवर्तन की वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, इन सब की जानकारी समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। राशिफल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी समान नहीं होती। आज 8 मई बुधवार का शुभ दिन है और आज के दिन गणेश जी की कृपा से ग्रह कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ राशियों पर गणेश जी अपनी कृपा को बरसा सकते हैं, जिससे इनके सभी कष्टों का नाश होगा। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा। तो जानने के लिए जरूर देखें हमारा ये राशिफल। चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों का हाल। आज रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जरूरी काम समय पे पूरे हो जाएंगे, कोई टेंशन भी खत्म हो सकती है। आप ऐसा काम कर देंगे जिससे आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। आज आप उलझे हुए मामले सुलझाने में लगे रहेंगे। अपने मन पर विश्वास रखें, नया मकान खरीदने का मन बना सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, नए लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। पैसों का ध्यान रखें, नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आज बहुत सारा काम करना पड़ सकता है, लेकिन काम काज से घबराए नहीं। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि का हाल। वृषभ राशि के जातक, लक्ष्मी योग के प्रभाव से धन लाभ हो सकता है आपको। नौकरी और बिजनेस में सितारों का साथ भी आपको मिलेगा। लेन देन और निवेश में आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। कर्जा चुका देंगे, घर और ऑफिस दोनों जगह पर आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अपने महत्व के काम पर ध्यान रखें, पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर विचार करने की जरूरत है। पिता से पूरी पूरी मदद मिलेगी, दोस्तों और भाइयों से भी मदद मिल सकती है। बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं, पुराना पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। गंभीर विषय पढ़ें, नया विषय चुनने को लेकर कंफ्यूजन भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों का हाल। कोई बड़ा बदलाव भी आपके जीवन में आ सकता है, सोच समझकर व्यवहार करना आपके लिए ज्यादा कारगर रहेगा। आपको अपने साथ होने वाली कुछ घटनाओं का पूर्वाभास भी हो सकता है, नजदीकी लोगों से मदद मिल सकती है। लव लाइफ के मामलों में सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। दोहरे विचारों को लेकर काम में मन नहीं लगेगा। खास मामलों में फैसले करना आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, कोई ना कोई चिंता भी आपके साथ रहेगी। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का हाल। आज आप संतान के साथ थोड़े व्यस्त रहेंगे, नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी, रुके हुए जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। आज आप ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताने की कोशिश करेंगे, दोस्तों के बहुत काम आपकी मदद से ही होंगे। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करेंगे, पुराना काम निपटाने के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आकर शेयर सट्टे में पैसा बिल्कुल ना लगाएं। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट लेने से आप बचे। पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का हाल। चंद्रमा आज गोचर कुंडली के कर्म भाव में रहेगा, जरूरी कागजात साथ रखें, सामाजिक संबंधों में सुधार होने के योग बने हुए हैं, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आपका समय ज्यादा कीमती रहेगा, आज आप दुश्मनों पर भारी रहेंगे, नौकरी में प्रगति होगी, दोस्त आपको कुछ सलाह देंगे। आज पैसों और परिवार को लेकर आपकी सोच सही रहेगी, संतान से सुख मिल सकता है, दूर स्थान में बसे लोगों को फायदा होगा, विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, नौकरी और बिजनेस में किसी न किसी से अनबन हो सकती है, नया काम शुरू करने में थोड़ी सावधानी बरतें, स्टूडेंट को सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं।
चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों का हाल। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं, आज काम काज थोड़ा बढ़ सकता है। गोचर कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा होने से आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ेगा, आपको नए मौके मिल सकते हैं और आने वाले समय में आप प्रगति करने में सफल हो सकते हैं। आज आप पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, किस्मत से धन लाभ हो सकता है। प्रेम में भी सफलता मिलने से पूरी हताशा दूर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति हो सकती है, बिजनेस में लाभ संभव है। स्टूडेंट किसी खास बात को लेकर टेंशन में थोड़े रहेंगे। चलिए जानते हैं अब तुला राशि का हाल। पैसों के निवेश के विचार आपके मन में बार बार आते रहेंगे। अपना दायरा बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आप पहले शायद नहीं मिले थे। उन जगहों की यात्रा होने के योग हैं जहां आप शायद पहले कभी ना गए हों। आज नया प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। कुछ सुखद घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। अपना व्यवहार सकारात्मक रखें। कार्यस्थल और व्यापार में मदद मिल सकती है। मन खुश रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी मेहनत भरा होने वाला है। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। रोजमर्रा के कामकाज से धन लाभ हो सकता है। लव लाइफ भी अच्छी होगी। आपको पैसों की स्थिति में सुधार करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लोग आज आपके लिए बहुत मददगार और उपयोगी साबित होने वाले हैं। मेहनत का फल आपको जल्दी ही मिल सकता है। न्यायालय कामकाज में जीत मिलने के योग बने हुए हैं। मन प्रसन्न रहेगा। नई जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के पूरे योग हैं। अधिकारी आज खुश रहेंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आज सीनियर से सपोर्ट मिलेगा। पढ़ाई में भी पूरा पूरा मन लगेगा आपका। चलिए जानते हैं आप धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। नौकरी और बिजनेस में आप कोई नई योजना बना सकते हैं। सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। नजदीकी लोगों से संबंध मजबूत करने की कोशिश करें। आपको नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी सफल हो जाएंगे आप। पुराने समय में आपने किसी की जो मदद की होगी वो अचानक आपके काम आ सकती है। कई चीजें आपके फेवर में होंगी। पैसों के मामले में दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ सकती है। निचले वर्ग के लोगों से मदद और फायदा मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाएं सामने आ सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगने से परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को थोड़ी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अब जानते हैं मकर राशि वालों का हाल। आज आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं। बिजनेस के लिए छोटी और फायदेमंद यात्रा हो सकती है। आपके कामों की तारीफ हो सकती है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र भी बढ़ सकता है। सोचे हुए काम शुरू हो जाएंगे। लव लाइफ बहुत अच्छी है। आज आपकी योजना में कुछ छोटे मोटे बदलाव की भी जरूरत है। रोगों से छुटकारा पाने का दिन है। बिजनेस के लिए छोटी और फायदेमंद यात्रा के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। नौकरी में तरक्की के भी योग बन रहे हैं। पढ़ाई अच्छी होने का दिन है। मन लगेगा और आप खुश रहेंगे। स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। चलिए जानते हैं आप कुंभ राशि वालों का हाल। आपने जो क्रिया है वो काम बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सकारात्मक नजरिया आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। लोगों से मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन चुनौतियों के बावजूद आसानी से बीत जाएगा। कोई छोटी अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सकता है। पैसों के काम से छोटी यात्रा हो सकती है। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश रहेगी। टीचर्स या सीनियर से आपको मदद मिल सकती है। इंटरव्यू है तो वो बहुत अच्छा जाएगा। पुराने दोस्त किसी जॉब के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। अब अंत में जानते हैं मीन राशि वालों का हाल। घर परिवार और ऑफिस में आप जिम्मेदारी वाले काम निपटा लेंगे। कोई बड़ा फैसला भी आपको लेना पड़ सकता है। पैसों से जुड़ा कोई खास काम पूरा होने में समय लग सकता है। नौकरी बदलने का मन भी बन सकता है। भाइयों और दोस्तों से आपको पूरी मदद मिल सकती है। पके कामकाज या उनको करने के तरीके में थोड़ा बदलाव आ सकता है। नौकरी और बिजनेस में मन कम लगेगा।
काम कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है। तो ये था आज का हमारा राशिफल। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।